मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई रियली होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हार्दिक को देखो, अभी अभी उसको डांट पड़ी है तो इस तरीके का मुंह बना के बैठी है। अब चलो स्माइली कर दो, आ जाओ, आ जाओ स्माइली कर दो, आ जाओ, ऐसे करेगी स्माइली कर दो। अभी अभी इसको डांट पड़ी है इसीलिए कितनी तूफान मस्ती करती है, इतनी तूफान मस्ती करती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और अभी तो इसके ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गए हैं तो मुझे इसके साथ भी बैठना पड़ता है क्योंकि अकेले ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाती है। तो अभी 9 बज रहे हैं और मैंने सिर्फ पूजा वगैरह का काम ही किया है अभी तो, क्योंकि आज मैंने ना कल मैंने किचन की पूरी क्लीनिंग की थी तो आज उसके थोड़े बहुत बर्तन वॉश करने के लिए रह गए थे तो मैंने वो काम पहले किया तो इसीलिए आज लेट हो गया है। वरना तो ना आजकल सब कुछ जल्दी जल्दी हो जा रहा है क्योंकि सुबह में 6:30-7 बजे तक हार्दिक के पापा स्कूल के लिए निकल जाते हैं और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और उसके बाद में हार्दिक भी उड़ जाती है क्योंकि उसके भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो मैं उसको भी रेडी कर देती हूँ ताकि फिर वो अच्छे से अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके इसके लिए। और ये देखिए, इन 2 दिनों में ना हमने कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया है। ये जो बेड यहाँ पे रखा था खिड़की के पास में, उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और बाथरूम का दरवाज़ा खुला है क्योंकि मेरे अभी कपड़े धुल रहे हैं इसके लिए। तो बेड हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है ताकि जो हवा और रोशनी है वो अच्छे से आए इसके लिए। ये जो हमारे बेड के ऊपर वाला पोर्शन है ना, इससे खिड़की पूरी बंद हो जा रही थी तो फिर ना ही अच्छे से हवा आती थी और ना ही रोशनी आती थी, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे रख लिया है। और फिर अभी तो बारिश का मौसम आएगा तो बारिश भी होगी तो अगर खिड़की अच्छे से खुली होगी ना तो देखने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो इसके लिए हमने बेड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और पूरे घर की क्लीनिंग की है, किचन की क्लीनिंग की है और बस यही कुछ सब कुछ किया। इसीलिए 2 दिन तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट की थी क्योंकि फिर सभी कमेंट करेंगे कि आप बार बार क्लीनिंग के ही वीडियो क्यों डालती हो। और मेरे लिए ना क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 1 महीने में फिर एक बार तो मुझे पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी गंदा हो नहीं हो। मैं रोज़ के रोज़ तो क्लीनिंग करती ही हूँ पर फिर भी 1 महीना हो जाए तो उसके बाद में मैं सब कुछ हटा के और किचन से भी सब कुछ निकाल के फिर क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। तो इसीलिए मेरे लिए क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर इस बार मैंने वीडियो नहीं डाली है। तो चलिए आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तो मेरे सारे काम पड़े हैं तो मैं पहले वो कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हार्दिक को मैंने अपनी क्लास अटेंड करने के लिए बैठा दिया है और मैं थोड़ा बहुत काम साथ ही साथ में करती जा रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था सफाई की वजह से इसलिए, वरना तो अभी तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और मैं उसके साथ ही बैठती हूँ।
तो देखिए अभी उसकी इंग्लिश की ग्रामर की क्लास चल रही है, तो उसे ज़रा भी पसंद नहीं है ग्रामर वाली क्लास, उसे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है। तो देखिए वो अच्छे से नहीं समझ पाती है टीचर की बात, इसीलिए मैं सारे काम पहले ही सुबह में फिनिश कर लेती हूँ और उसके साथ में ही बैठ जाती हूँ ताकि वो अच्छे से टीचर की बात सुने और समझे। और ये देखिए अभी उसकी क्लास तो ख़त्म हो गई थी पर मैं उसे थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करवा रही थी, तो उसके आधे घंटे बाद में दूसरी क्लास होती है उसकी, तब तक के लिए उसका ब्रेक होता है, तो इस बीच में उसे राइटिंग प्रैक्टिस करवाती जाती हूँ और साथ में ही अपने काम कर लेती हूँ। और पूरे किचन की क्लीनिंग कल की थी, तो फिर बस यहीं कुछ जो डब्बे रखे थे वो धोने बाकी रह गए थे, बाकी तो सारा कुछ काम हो गया था मेरा, तो इसी में से सब सारा राशन जो है वो अलग बर्तन में निकाल के सब कुछ धो के रखा था, तो अभी बस मैं वहीं सेट कर रही हूँ किचन में। और क्लीनिंग का सारा काम ख़त्म किया, झाड़ू पोछा वगैरह लगाया और कपड़े तो मेरे पहले से ही मशीन में धुल रहे थे तो वो भी सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, तो आज आप लोग देख ही रहे होंगे क्योंकि मैंने दाल चावल नहीं चढ़ाए हैं, तो आज दाल चावल नहीं बनने वाले, सिर्फ सब्ज़ी रोटी और संभारा और रस बनने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं खांडवी भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बन रही है और टिंडे और मिर्ची का संभारा बनेगा, तो बस वही आज था हमारा लंच, आज दाल चावल नहीं बनाए थे।
और खांडवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, आधा कप दही ले लिया है, हरी मिर्चें ले ली है, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके ले लिया है। और आज मैं परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी मिर्ची ले ली है। ये सब मिर्ची को मैंने कूटा नहीं है क्योंकि मैं इसमें हैंड मिक्सी चलाने वाली हूँ, तो इसीलिए हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर डाल लेंगे इसमें। और फिर इसमें हमने 1 कप आटा लिया है, तो 1.5-2 कप जितना पानी डाल लेंगे इसमें। और फिर इसमें हैंड मिक्सी चला लेंगे। मैं हर बार इसी तरीके से करती हूँ ताकि जो बेसन है वो अच्छे से घुल जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहे और जो अदरक मिर्ची का टेस्ट है वो अच्छे से इसमें बैठ जाए। इसके लिए मैं हर बार हैंड मिक्सी ही चला लेती हूँ इसमें। और देखिए, जो बेसन का घोल हमने तैयार किया है उसको एक बार छान लेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा कुछ होगा मिर्ची का और अदरक का वो निकल जाएगा। और फिर देखिए हमें कितना अच्छा सा बेसन का घोल तैयार मिलेगा। तो अभी इसको धीमी आंच पे, मतलब बहुत ज़्यादा धीमी भी नहीं और बहुत फास्ट भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहना है और अच्छे से कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे और आपकी खांडवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और वरना ये नीचे तले से भी लग जाएगी। तो इसके लिए आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके की लास्ट में कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो हमें बस ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए और जो चम्मच से लग जानी चाहिए। और यहाँ पे मैं किचन स्लैब पे ही इसको फैला रही हूँ। आप चाहे तो थाली पे भी फैला सकते हैं, पर फिर थाली बहुत ही ज़्यादा, 2-3 थाली गंदी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं किचन स्लैब पे ही इसको फैला रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है किचन काउंटर टॉप पे, और वहीं पे जो ये बैटर हमने बनाया है वो डाल लेंगे और इसको पतला पतला फैला लेंगे। और ये काम आपको बहुत ही जल्दी जल्दी हाथ चला के करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर ये ठंडा होता जाएगा तो फिर ये फैलेगा नहीं, इसलिए आपको बहुत ही जल्दी जल्दी इसको फैला लेना है। और फिर इसमें कट लगा के मतलब थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के बाद 5-7 मिनट तक इसको ठंडा कर ले, और इसके बाद में इस तरीके से कट लगा ले और इसके रोल बना ले। और ये देखिए, बिल्कुल ही आसानी से ये निकल के आ जाएगी और इसके रोल बना लेने हैं आपको। देखिए कितने अच्छे से ये रोल तैयार हो गया है। Thank you.
और फिर सारे रोल बन जाते हैं। तो उसके बाद हम इसमें तड़का लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, जिसमें थोड़ी सी राई और हींग डाल ली है, और अगर आपके पास तिल हो तो आप तिल डाल सकते हैं, और नारियल का बुरादा हो तो वो भी डाल सकते हैं। पर मेरे पास में दोनों ही चीज़ें नहीं थी, ना ही तिल थे और ना ही नारियल था, तो बस यहाँ पे मैंने ज़रा सी राई डाल ली है और धनिया पत्ती डाल ली है। तो ये हमारी खांडवी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। और बस आज का हमारा लंच यही था, सब्ज़ी, रोटी, संभारा, खांडवी और आमरस। और इसीलिए आज हम लोगों ने दाल चावल नहीं बनाए, क्योंकि वैसे भी अभी हम लोग 2-3 दिन एक आध बार छोड़ देते हैं दाल चावल। आजकल आमरस आ रहा है तो कोई भी नहीं खा रहा है इसके लिए। और ये देखिए हमारी खिड़की से नज़ारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी, तो फिर मानसून आएगा तो इससे भी अच्छा लगेगा। और देखिए जब पूरी खिड़की खुली होती है तो कितना अच्छा व्यू आता है, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के बिल्कुल ही फ्री हो गए थे। और ये देखिए बेड को, और हार्दी का जो छोटा सा बेड है उसको हम लोगों ने उस तरफ शिफ्ट कर दिया है, और हार्दी बैठ के अपना गेम खेल रही है मोबाइल में, क्योंकि अब जाके कहीं वो फ्री होती है थोड़ी सी देर के लिए। उसको हमने नियम ही बना के रखा है कि दोपहर में आधा घंटा और रात में आधा घंटा उसको मोबाइल देना है बस। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। और आपको इस तरीके से रखा हुआ बैड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और मिलते हैं अपने कच्चे से नए वीडियो ब्लॉग के साथ में।